हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परफ्यूम रिव्यू चैनल परफ्यूम ड्यूड पे। मैं आप सबका दोस्त अली आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा परफ्यूम का रिव्यू जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये परफ्यूम है नॉटिका वॉयज। वॉयज या वॉयज कुछ भी बोल सकते हैं, पर नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परफ्यूम है ज़बरदस्त। तो देखते हैं कैसा है ये परफ्यूम। वैसे तो आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें और आपको लगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा रिव्यू आपके लिए कुछ किसी भी तरीके से हेल्प करता है, तो आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आगे बढ़ने, आपके लिए और भी अच्छे रिव्यूज़ लेके आते रहें। परफ्यूम के बारे में तो बात करेंगे ही, परफ्यूम तो है ज़बरदस्त, लेकिन मेरे से एक छोटी सी गलती होगी। वो क्या है कि इसका जो बॉक्स है वो मेरे से खो गया, तो मैं आपको स्क्रीन पे इसका बॉक्स दिखा दूंगा। सिंपल सा कार्डबोर्ड सा बॉक्स है, जैसा ही जूस कलर आपको दिख रहा है, एक एक्वेटिक ब्लू कलर है जूस, वैसा ही बॉटल में जो ब्लू कलर दिखता है, थोड़ा सिल्वर सा नॉटिका लिखा रहता है, दो साइड में बॉक्स आता है। अब बात करते हैं बॉटल की। बॉटल बड़ा ही खूबसूरत है, प्यारा है, आप देख सकते हैं। मेरे पास ये 100 ml है, ये EDT के कंसेंट्रेशन में आता है, नॉटिका वॉयज लिखा है और यहाँ पे नॉटिका मेंशन किया हुआ है दो बार अपने कैप पे। बड़ा ही हल्का कैप है, थोड़ा डिजाइनर काइंड ऑफ परफ्यूम है। डिजाइनर मतलब नॉटिका वैसे तो अमेरिकन ब्रांड है और ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े वगैरह फेमस हैं उसमें, और एक बढ़िया टेक है उनका परफ्यूम के मामले में। तो परफ्यूम भी उनका ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पर्सनल फेवरेट में से है। तो बॉटल ऐसा है, इसमें जूस कलर हल्का एक्वा ब्लू है जो कि जस्टिफाई करता है इसके परफ्यूम को, इसके एसेंस को। कैप जो है वो हल्का एक प्लास्टिक सा कैप है और एटोमाइजर देख लीजिए, एटोमाइजर एक प्लेन सिंपल एटोमाइजर दिया हुआ है। अब इसका थ्रो भी देख लेते हैं, थ्रो भी एक डिसेंट थ्रो है, एक अच्छा मिस्ट निकल के आता है। मैं बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है। प्राइस रेंज इसका मैं बता दूँ कि ये मेरे को 1700-1800 का पड़ा, अगर डिस्काउंट देखें तो 1700-1800 में हो जाता है, कभी कभी उससे भी कम में मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली इसका प्राइस जो 2000-2200 तक आपको मिल जाएगा, वो भी एक डिसेंट प्राइस ही है। मेरे हिसाब से आप अगर इसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में, ऑफ़र वगैरह में देखें और 1500 तक खरीद पाएं तो बहुत ही बढ़िया डील रहेगी। अब बात करते हैं इसके एसेंस की। तो परफ्यूम ये जो नॉटिका वॉयज रहा, ये मेरा दिल से बहुत करीब है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं इसको कभी भी कहीं भी लगा के जा सकता हूँ, इनऑफेंसिव सा खुशबू है, किसी को भी पसंद आता है। मैंने किसी को भी इसको ट्राई करने को दिया है, किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये परफ्यूम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है, एक डिसेंट प्राइस रेंज में एक अच्छा परफ्यूम है, परफॉर्म भी अच्छा करता है। पर्सनली मुझे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल ही जाता है। अब बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में, जो कि बहुत ही मतलब एक फ्रेश एक्वेटिक नोट देता है, बट इसके टॉप नोट में आपको थोड़ा ग्रीन एप्पल का सिट्रसी स्मेल तो उतना नहीं है, लेकिन ग्रीन एप्पल आपको फील होगा इनिशियली जब आप स्प्रे करते हैं, तो आपको ग्रीन एप्पल फील होता है उसके साथ, वो थोड़ा वो ग्रीनी वो जो हर्बल नोट हर्बिसियस सा फील होता है, थोड़ा ग्रीन लीफ सा फील होता है। और ये इसके अंदर मस्क भी है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट जो है इसके अंदर लोटस है, लोटस या वाइट लिली बोल सकते हैं, उस टाइप का वाटर लिली टाइप का स्मेल करता है। और मुझे ऐसा सी वीड वाली जो खुशबू है, थोड़ा वो जो बोलते हैं थोड़ा एगी सा खुशबू होता है, वो भी महसूस होता है, लेकिन वो इतना मतलब अच्छा ब्लेंड है ये, वो ग्रीन एप्पल और वो लोटस के साथ मिल के ये इतना बढ़िया एक एरोमा क्रिएट करता है कि आपको रिफ्रेश कर देगा, आपको ऐसा लगेगा आप किसी समंदर किनारे खड़े हैं, वो सल्टी वो जो सी वाली वाइब है, वो जो सी वाटर का जो मतलब ताज़ी ताज़ी हवाएं हैं वो आपको महसूस होंगी। इसे आप स्प्रे करें, आँख बंद करें और
महसूस करें कि एक बेहतरीन आपको एक बढ़िया सा सी बीच वाले जगह पे आपको पहुंचा देगा। मुझे ये परफ्यूम थोड़ा सा लीनियर लगा, मतलब ये स्टार्टिंग में जैसा है एंड तक भी लगभग वैसा ही रहता है, हल्का मस्की है इसके अंदर, वो मस्क थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसी तरह आपको ये लोटस का वाइब मिलता रहेगा। मैं ये परफ्यूम ट्राई करने से पहले इसका डिओड्रेंट भी ट्राई कर रहा था, वो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास अभी तो ख़त्म है, मैं उसको फिर से रिफ़िल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी शेयर करूंगा, उसे भी दिखाऊंगा। परफ्यूम मतलब मुझे ऐसा लगता है बना है यंग बंदों के लिए, कोई भी अगर अंडर एज है, टीन एज में है, तो ये परफ्यूम इजीली कैरी कर सकता है, स्कूल कॉलेजेस जा सकते हैं, ऑफिस लगा के जा सकते हैं, ये बड़े ओकेजन के लिए नहीं है, ये सेल्फ प्लीजिंग खुशबू है, मतलब आपको रिफ्रेश रखने के लिए, आपका मूड को अपलिफ्ट रखने के लिए ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी में एकदम से जाएं और इसे लगा के जाएं तो ये धमाल मचा देगा, वैसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ फ्रेशनेस मिलेगी आपको। इतने सारे किस्से के बाद अब इसके परफॉर्मेंस की बारी, मैं बता दूं मुझे पर्सनली इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, ये एडीटी के कंसंट्रेशन में होने के बावजूद भी इसमें से मुझे स्किन पे 3-4 घंटे इजीली ये एक बढ़िया प्रोजेक्शन है इसका, 2-2.5 घंटे तक तो ये 2-2.5 फीट तक प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद थोड़ा क्लोज टू स्किन हो जाता है, 1-2 फीट का प्रोजेक्शन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये गर्मी वाला परफ्यूम है। अब मैं इसको हाई हीट में यूज़ करता था, कड़क गर्मी में, एकदम समर में यूज़ करता था, मतलब ये समर परफ्यूम होने के बावजूद, समर में जो हालत होती है उसके बावजूद भी ये बढ़िया परफॉर्म करता था, मेरे स्किन से अच्छा प्रोजेक्शन इसका रहता था, मुझे खुद ही महसूस होता था कि नहीं ये स्मेल आ रही है मुझे, प्रोजेक्शन में तो ये काफ़ी ठीक ठाक रहा, और लॉन्गजिविटी 6-7 घंटे का लॉन्गजिविटी है एक समर परफ्यूम, इस तरह के नोट्स फ्रेशनेस से आप क्या भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस रेंज से भी ये समर परफ्यूम फ्रेश परफ्यूम के हिसाब से तो बेस्ट ही है, मैं बोल सकता हूँ 6-7 घंटे आपके साथ लास्ट करेगा। और सियाज इसका इम्पोर्टेंट है कि ये 2-3 घंटे तक एक बढ़िया ट्रेल बनाता है, मतलब आप अगर इसे लगाते हैं तो आप मूव करते हैं तो ये फील होता है। इसके सियाज को लेके मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त इसे कैरी किया था और बाइक पे जा रहा था, मैं उसके पीछे जा रहा था, 1-2 घंटे के बाद में मुझे महसूस हो रहा था इसका हल्का हल्का सा वाइब, लेकिन थोड़ा क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आपके ऊपर आके बजेगा, आपके नाक को हिट करेगा, वैसा नहीं है, ये थोड़ा एरी खुशबू है, आप इसे घुलने का मौका देंगे इन रूम, एक अच्छा एनवायरनमेंट में रखेंगे इस परफ्यूम को, तो ये आपके साथ बना रहेगा, आपको फ्रेशनेस देता रहेगा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं चाहता हूँ आप अपने कलेक्शन में भी इस परफ्यूम को ऐड करें, और इसकी तारीफ़ें मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स आपके लिए रिव्यू करने के लिए लेके आएंगे, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंचे, और जब भी मेरे वीडियोस देखें तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे कम्युनिटी थोड़ी बड़ी बने और हम इसी तरह आपके लिए और भी बेहतर परफ्यूम्स लाते रहें। तो इसी वादे के साथ कि आपके लिए और भी बेहतरीन परफ्यूम्स के रिव्यू लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।